राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने रविवार को कहा कि जमीनी हकीकत को लेकर व्यावहारिक होना पड़ेगा भाजपा अकेले महाराष्ट्र चुनाव नहीं जीत सकती लेकिन यह भी सच है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है चुनाव के बाद भाजपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी एक मराठी टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही फणवीस ने विश्वास जताया कि भाजपा शिवसेना एनसीपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मदद से सरकार बनाएगी महाराष्ट्र चुनाव पर लोकसभा चुनाव के असर के बारे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार वोट जिहाद देखा गया लेकिन विधानसभा चुनावों में यह कारगर नहीं होगा उन्होंने बताया कि धूले लोकसभा सीट पर हमारे उम्मीदवार पांच विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहे थे लेकिन मालेगांव सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र की वजह से हम धूले लोकसभा सीट हार गए मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाने पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो ये समस्या नहीं है समाधान है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सीएम बनने जा रहे हैं इसी